एक्साइटेड वाला शूट कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ एक्साइटेड एक्साइटेड मतलब अच्छे अच्छे इंसान है जिनसे मैं अभी आपसे मिलवाती हूँ, उसके बाद अच्छे से ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो हियर इज, आप बोलो हेलो, क्या मतलब क्या हल्के में ले रहे हो यार, मुझे ब्लॉग करना है तो पहले बोलना चाहिए ना तुम्हें। तो अभी बोलो अपना इंट्रोडक्शन अपने आप दो। ये है दी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर दी फोटोग्राफर वीडियोग्राफर ठीक है, नाम बता दो प्लीज। तुम बताओ ना। प्रवीण प्रजापति जी, से हाय। हाय। और इधर भाई, ये इंसान दी बेस्ट इंसान है क्योंकि इनकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब करती है, मतलब इनके सबसे ना मजा आता है। सो हियर इज अशोक एक्का जी, से हाय। हाय, कैसे हो? बस ठीक हूँ। और ब्लॉगिंग चला दिया था आपने क्या? ब्लॉगिंग मोटर आपने सुबह 6 बजे मोटर चलाई, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया क्योंकि मैरिड है, ये भी मैरिड है और मैं अनमैरिड हूँ। तुम भी मैरिड हो जाओ जल्दी से। तो फिर क्या होगा? फिर मैं तो आ ही नहीं पाऊंगी ना, मेरे ससुराल वाले कहाँ बोलेंगे जाओ बेटा जाओ तुम शूट करके आओ। ऐसा होता है? अब इट्स डिपेंड ना कि कहाँ आपकी शादी होती है, कैसे इंसान आपको मिलते हैं। सो गाइस, आज हम करने वाले हैं शूट। सो अभी हम लोकेशन पे नहीं पहुंचे हैं क्योंकि एक तो मैं लेट, ठीक है, और कितने घंटे लेट, और मैंने इनको मैसेज किया था मुझे 9 बजे आप कॉल कर देना कि उठा देना, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 9 बजे कॉल किया कि उठ गई, तब मैं उठी हूँ तो ऑब्वियसली अब इंसान जाएगा, रेडी होगा फिर तो आएगा ना। मैं कहाँ रहती हूँ आपको तो पता ही है ना, यमुना पार। पता मेरे और कोई लेट हो गया और मुझे कोई बोलता है कि कोई वेट कर रहा होता है तो मैं जल्दी तैयार हो जाता हूँ यार। बट अगर आपको मतलब होता लड़की नहीं हो ना, ओ या वो भी तो सोचो। हाँ, सो गाइस, जो कि मैं बोल रही थी, ठीक है, आज हम शूट करने जा रहे खेतों में, ठीक है, और बस चेंज ये है ना कार, इन्फ्लुएंसर की लाइफ हो गई, मॉडल की लाइफ हो गई ना, उनकी लाइफ ऐसी है, खोपचा देखो, कोई वॉशरूम देखो, कोई कार देखो, वॉशरूम है। हाँ, क्योंकि हमें 3-4 आउटफिट के साथ शूट करना है और आई एम डन विद माय मेकअप, एकदम न्यूट्रल मेकअप है। सो यस, क्वाइट एक्साइटेड। हमने लिया एक छोटा सा हॉल्ट ब्रेक क्योंकि हमें दिखाए फ्रूट्स और अशोक एक्का जी को जूस पीना था बिकॉज ही इज हेल्थ कॉन्शियस। मैं यार कैप लाना भूल गया अपनी। किसकी? अपनी। क्या उतरो? कोई जो तुम पियोगे वो। अशोक एक कैसे बोल, तुम्हें अकेले जाने में डर लग रहा है। थैंक यू सो मच। वेलकम मैडम जी। So here is Khet और अब मैं जा रही हूँ शूट करने, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। I will be back in few minutes. So guys, मैं अभी वहाँ पे खेतों में शूट कर रही थी और शूट करते करते हमें याद आया कि मैं दुपट्टा तो नहीं लाई। सो अब हम जा रहे हैं दुपट्टा लेने, उसके 2-3 शॉट है यहाँ पे। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वीकेंड में एक दिन फिर नहीं सीख पाऊंगी मैं। अरे मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ सच में, बहुत जल्दी कैप्चर कर लेती हूँ। कार ऐसी अगर आपने चलाई नहीं ना तो आपको आएगी नहीं, मतलब कंटिन्यू आपने सीख ली। हाँ, फिर चलाई नहीं ना उस टाइम पे, अच्छा तो आएगी नहीं। सीखने के बाद छोड़ दो फिर सब, उस टाइम पे कॉन्फिडेंस करना पड़ता है स्टार्टिंग। अच्छा, लाइक एकदम एक महीना इवेंट तक डर ना निकल जाए।
वैसे पता है मुझे स्कूटी से ज्यादा कार ठीक लगती है कि अगर ठोकेगा इंसान तो कार को ठोकेगा ना, मैं तो अंदर रहूंगी, मैं तो बचे रहूंगी। स्कूटी ठोकोगी तो स्कूटी को नहीं, स्कूटी तो स्कूटी को ठोक दूंगी तो मैं तो लड़ गिरूंगी। ऐसी हो जाएगी, देख नहीं रहा मिट्टी मिट्टी होता जा रहा है। अपनी भी तो लिख दो, बोलो तो सही है, दिल्ली का कूड़ा, कूड़ों का पहाड़ जो कि है दिल्ली में, और इससे बनती है क्या, बनती है बिजली। सही में बनती है ना, कई में लोगों को इन्फॉर्मेशन दो बोले आप पागल कुछ नहीं बनता, प्रवीण से कहीं पता चला कि नहीं, खाद और बिजली दोनों बनती है, और ये है बाहर और ये आजादपुर में कंफर्म। क्या लोग खुद सर्च कर लेंगे, मैं मतलब ठीक है आप कुछ कह रहे हो, कुछ तो उसमें वेट होगा ही ना, झूठ थोड़ी बोलोगे, कहीं आपने भी सुना होगा। और अब हम जा रहे है 4:30 कुछ खाने पीतमपुरा। सुबह के बाद अभी हम खा रहे हैं फ्राइड मोमोज, और अच्छे ना हुए तो दोबारा खा लेंगे। दूसरा मैं ऐसे पकड़े बैठूंगा। दूसरी चिली पटेटो, सो ये है ड्रैगन हट का चिली पटेटो, ठीक है, जो कि है कहाँ पे, पीतमपुरा, पीतमपुरा में। और मेरी बाई जान बहुत फर्क रही है, बाई या डाई क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉगर वाली पिक्चर प्लीज। चलो हो गया, सो अब ट्राई करो, टेस्ट करो। केपी ब्लॉग, केपी ब्लॉग, केपी ब्लॉग, पीतमपुरा केपी ब्लॉक पेट्रोल पंप के पीछे, पराठे वाले के साथ में। ये लो कैमरा पकड़ लो। इसमें ना नमक ज्यादा है, तुम्हारी आँख फड़क रही थी ना? सच में नमक ज्यादा है, मेरी आँख फड़कने का अच्छा ये रीजन थोड़ी होता, अभी इतना टाइम से बोले ड्रैगन नट बहुत मस्त है, झूठ हो तुम्हारी आँख फड़कने से, देखो क्या हो गया, खाओ ना यार। अरे और कितना खाऊं सोच रहा हूँ। तो अभी जब तक हम तीनों इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद में आपसे फिर मिलती हूँ, चलो बाय। सो गाइस आज के लिए इतना ही था, और हम तो लेट थे तो हमारा ज्यादा शूट नहीं निकला, सो बाय 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 अशोक एक्का जी, बाय बाय एवरीवन।